हे गाइस, आज फिर से आऊँ नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। ग्रिप पे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर दूंगा। अगर ये वीडियो देख ली तो ग्रिप की समस्या, ग्रिप के एरर्स, डिफरेंट कैटेगरी के बॉलर्स होते हैं, तो मैंने सोचा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों का जो माइंड के लेवल पे एरर आ रहे हैं या जो आप समस्या है कि ग्रिप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो गाइज, सबसे पहले बताऊंगा कि नॉर्मल लेग्स में ग्रिप कैसी होती है, उसके बाद डिफरेंट टाइप की ग्रिप के साथ बॉलिंग करते हैं बॉलर्स और उनको थोड़ा सा ना डाउट रहता होगा, तो मैंने सोचा उस डाउट को इस वीडियो के थ्रू सॉल्व कर दिया जाए ताकि आपको ग्रिप की जो कन्फ्यूज़न हो रही है वो आपकी दूर हो जाए और आप फ्रीली बॉलिंग कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में लेग स्पिन में ग्रिप क्या होती है। देखिए, आप मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ, बट ये टोटल डिटेल वीडियो ग्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, ये देखिए, बॉल को आपने ऐसे रखना है अपने लेफ्ट हैंड में, अगर आप राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, और ये जो आपकी दोनों फिंगर है, मिडल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये ऐसे अप रहेंगी, और आपका जो रिंग फिंगर है ये ऐसे सीम के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये जितना डीप रहेगा उतना बहुत प्रॉफिटेबल है। और जो आपका बॉल रहेगा ना, आपको मैं बताता हूँ, देखिए कई बॉलर्स होते हैं जो बॉल को पूरा ऐसे टाइट पकड़ते हैं नेचुरली और वो अच्छा कमांड करते हैं। मेरा भी थोड़ा ऐसा ही रहता है, बट मैं उसको थोड़ा गैप करके भी करता हूँ। मेरा वेरिएशंस बहुत है, मेरे को मैच्योरिटी है, मेरे को काफ़ी आइडिया है। तो मैं अभी बताता हूँ, जो बच्चे बिगनर्स हैं और जिनको थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अगर वो ग्रिप करते हैं ऐसे बॉल पकड़ते हैं, तो वो ज़्यादा टच ना रखें, थोड़ा सा गैप रखें। उससे क्या रहेगा, जो आपका बॉल है वो फंसेगा नहीं। और बॉल को आपने ज़्यादा ढीला नहीं पकड़ना है, ना ज़्यादा टाइट पकड़ना है, नॉर्मल रखना है कि आपके हाथ में किसी ने बॉल पकड़ी है, अगर कोई निकाले तो जल्दी से निकले ना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप ग्रिप करते हैं बॉल। और इसमें एक चीज़ और है, कई लेग स्पिनर देखे मैंने कि वो ऑफ स्पिन की कैसे ग्रिप पकड़ते हैं और अच्छा लेग स्पिन कर रहे हैं। कई लेग स्पिनर मैंने देखे हैं कि जो उनका फिंगर रहता है थोड़ा ऐसे रहता है, डीप नहीं रहता है। अगर वो अच्छा रिलीज़ कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मतलब डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं अगर वो अच्छा स्पिन कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि डिफरेंट टाइप से आपकी ग्रिप रहती है, बट जब आप रिलीज़ कर रहे होते हैं तो कभी कभार जैसा होगा कि राशिद खान जब ऐसे बॉल पकड़ते हैं तो वो लेग स्पिन करते हैं तो उनका ये वाला ऐसे लगता है फिंगर, उनका रिंग फिंगर इतना प्ले में नहीं आता लेग स्पिन में, तो फिर भी उनका थोड़ा बहुत लेग स्पिन होता है, बट वो थोड़े अलग कैटेगरी के बॉलर हैं। गूगली पे वो बड़ी कमांड करते हैं, दैट्स व्हाई वो थोड़े डोमिनेट होके कर लेते हैं, बैट्समैन के सामने डोमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी होंगे, आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी आपका, या तो ड्रिफ्ट होकर अंदर चल रहा है, कुछ अलग अलग तरीके से चीज़ें होंगी। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी अपनी चीज़ें चेंज ना कीजिए। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट कोच है जो हाँ सही में आपको बता सकता है कि आपके हिसाब से क्या ग्रिप सूटेबल रहेगी, मतलब जो आप कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल ग्रिप तो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करें ना, तो आप एक्सपर्ट की सुपरविज़न के अंदर करें। आप खुद से छेड़छाड़ ना करें अपनी लेग स्पिन बॉलिंग की ग्रिप के अंदर, अपने एक्शन के अंदर, अपनी कोई भी चीज़ के अंदर। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चों में थोड़ी सी कमी होती है, भी आ जाती है बॉलिंग करते करते, या कुछ एक्स्ट्रा सीखते तो आ जाती है, फिर उनकी बॉलिंग में थोड़ी एक्यूरेसी लैक हो जाती है, फिर उनको बहुत ज़्यादा लोग एडवाइस करते हैं जो लेग स्पिन से रिलेट भी नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, देन वो उनकी बात सुनते हैं तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाती है, उनकी बॉलिंग की जो एबिलिटी है ना बिल्कुल डाउन हो जाती है, उनका जो क्लास है ना बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मैं यही कहूँगा कि आप एज ए लेग स्पिनर उन लोगों की बातें सुने जो खुद लेग स्पिनर रहे हैं, एज ए लेग स्पिनर आप उन लोगों की बातें सुने जिनको एक्चुअल में लेग स्पिन की नॉलेज है और एक्चुअल में वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, लॉजिकल तरीके से समझा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपके साथ काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ग्रिप करते हुए काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कॉक करते हैं सारे बॉलर्स, तो आपने देखा होगा कुछ बॉलर्स नॉर्मली कॉक आप जब भी करते हैं ना, तो कोशिश क्या करें, जब भी आप ऐसे कॉक करते हैं रिस्ट, तो जो आपका ये रिस्ट है ना, ये जो बॉल है, बॉल का फेस, ये आपके ये चेस्ट की तरफ इंडिकेट होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, ये क्लोज एंड इंडिकेट टूवर्ड्स द चेस्ट, एंड देन ये एकदम राइट पोजिशन है अगर आप कॉकिंग अच्छी कर रहे हैं रिस्ट की, एंड देन आपको फ्री रख रहा है, ये अपने आप अनकॉक होगा। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ठीक है, मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, बच्चे ना यहाँ पे ऐसे रखते हैं और इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर लेते हैं, वो अपने आप आएगा, कभी भी ध्यान रखना, जब आप रिलीज़ करेंगे वो चीज़ अपने आप आएगी। अगर आपने अच्छे से रिलीज़ पे वर्क कर रखा है, आपका रिलीज़ अच्छा होता है, तो ये चीज़ अपने आप आएंगी। तो वही चीज़ समझनी है आपने, किस चीज़ पर काम करना और कैसे करना है। मैंने आपको ग्रिप अभी बताई थी कि सीम के ऊपर ऐसे ग्रिप करके बॉलिंग करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वीडियो को पूरा कवर कर लिया जाए, बॉल को क्रॉस सीम से कैसे ग्रिप करते हैं और किस तरह से हम बॉल के अंदर नॉर्मल बॉल डाल के वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गई सीम बॉलिंग की प्रैक्टिस, अगर आपको सीम से बॉल कराना है, ठीक है, ऐसे ग्रिप।
अगर आपको क्रॉस सिम कराना है, इस बॉल को आपने ऐसे घुमा देना, ठीक है, ऐसे, ये वाला फिंगर, रिंग फिंगर आपका ऐसे रहेगा सीम के ऊपर बिल्कुल डीप, और यहाँ से ये दोनों फिंगर ये आपके बॉल के फेस के ऊपर होंगी ऐसे, एंड देन ऐसे निकलेगा बॉल, ठीक है। और इसमें आप एक ग्रिप और ले सकते हैं क्रॉस सीम की, वो ऐसे है, दोनों सीम के राइट और लेफ्ट साइड में ऐसे बॉल होगी और ये वाला फिंगर ऐसे होगा, ठीक है। ये वाला जो मेरे हिसाब से इस टाइप से अगर क्रॉस सीम बॉलिंग करते हैं तो थोड़ा ग्रिप करने में दिक्कत हो सकता है, अगर बॉल थोड़ा सा ग्लोसी है, जैसे आजकल बच्चे टूर्नामेंट में खेलते हैं। हाँ, अगर आप ये वाला करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका ना सीम पे थोड़ा होल्ड अच्छा होगा रिंग फिंगर, और यहाँ से ग्रिप करने में ईजी होगा। मैं ऐसे ही करता हूँ क्रॉस सीम बॉलिंग। ये दो तरीके क्रॉस सीम बॉलिंग के, और इसके फ़ायदे बताता हूँ आपको। देखो, जब हम क्रॉस सीम से बॉल डालते हैं ना, इसका एक एडवांटेज है कि आजकल जो बॉल है, बॉल का सीम आपने देखा होगा ज़्यादा उठा होता नहीं है, डोमिनेंट होता नहीं है, दबा हुआ होता है। दैट्स वाई होता क्या है, कभी कभी फ्लैट ट्रैक्स पे सीम से बॉल पड़ता है और ऐसे ही चलता रहता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है राइटी बैट्समैन के लिए। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब कंडीशन बैट्समैन फ्रेंडली होती है तो वो थ्रू द लाइन, अगेंस्ट, थ्रू द ड्रिफ्ट शॉटें मारते हैं, लगती रहती है। तो उस कंडीशन में अगर आप क्रॉस सीम बॉलिंग अच्छा यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप परचेस क्रिएट कर सकते हैं फ्लैट ट्रैक्स पे भी, और बैट्समैन को डिसीव करा सकते हैं। देखिए, बता दो कैसे। जब आप क्रॉस सीम से बॉलिंग करेंगे ना, जब सीम से बॉलिंग करते हैं तो होता क्या है, सीम से बॉल चलता है, ड्रिफ्ट होता चला आता है ये अंदर की तरफ, और सीम दबा हुआ है तो होता क्या, मतलब फ्लैट ट्रैक्स पे बॉल अंदर ही जाता है और बैट्समैन फ्रेंडली विकेट है तो मारता है, लगते रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आप क्रॉस सीम से आ जाते हैं तो होता क्या, ड्रिफ्ट जो है कम हो जाता है, ड्रिफ्ट। और सम टाइम क्या, अगर आप कारीगर हैं ना लेग स्पिन बॉलिंग के, तो आप उस ड्रिफ्ट को बाहर भी कर सकते हैं, और बॉल ऐसे जाते जाते हल्का सा आपको ब्रेक मिलता है, वो हल्का सा ब्रेक ही मार्जिन को डिफीट कर देता है और बैट्समैन मतलब सीधे के लिए खेलता है और ऊपर टॉप एज लग जाता है, खड़ी हो जाती है, इसका बड़ा फ़ायदा है। और इसमें एक चीज़ और है, जब बॉल ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, जब बॉल सीम पे पड़ता है तो बाउंस होता है, जब बॉल इस फेस पे पड़ता है तो बॉल लो रहता है। तो ये नेचुरल वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं अगर आप क्रॉस सीम से, कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस चीज़ से, अगर आप क्रॉस सीम बॉलिंग का यूज़ करते हैं। बस शर्त है कि आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें होती है तो जो वेरिएशन है वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, और वही चीज़ें आपको जब आप करते हैं ना तो बड़े आप कंट्रोल और बड़े कमाल के बॉलर लगते हैं। तो अभी मैं और कुछ भी बता सकता हूँ ग्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने सोचा कि अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ की चीज़ें, कि ग्रिप हम और कैसे कैसे करके अपनी बॉलिंग के अंदर थोड़े से वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। जो नया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, तभी आप कोचिंग के टच में रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बॉयज़।